नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी तारीख को होने वाले हैं, चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही चुनावी दंगल से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों से, और हमारे क्षेत्र की किसी भी घटना जानकारी या खबर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा आपकी न्यूज 30 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्राम धौरका के 11 गांव में हैं, जहां पर हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी मौजूद हैं। उनके चुनावी दावे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं इनसे इनकी ही जुबानी। क्या नाम है आपका? रविन राजपूत। रविन जी, क्या आपके चुनावी दावे हैं, किन वजहों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमें सब ग्रामवासियों ने, भाई और बहनों ने और बुजुर्गों ने खड़ा किया है। कई चीजें नहीं है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर गौशाला नहीं है, नाली कच्ची पड़ी हुई हैं, और जैसे कि सड़कें कच्ची हैं और कटाव हो गए हैं उनमें, जैसे तालाब हैं, जैसे इनको सभी चीज़ों को लेकर सुधरवाएंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है, क्या होना चाहिए उनके विकास के लिए? अब महिलाएं जैसी बाहर जाती हैं और उनको शौचालय बनवाएंगी और बाहर निकलने से जो परेशानी होती है उनको, तो शौचालय बन जाएंगे जैसी, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी कोई। यहाँ पर विद्यालय का जो विद्यालय है वहाँ पर विद्यालय में कैसी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा को लेकर यहाँ के बच्चे कितने जागरूक हैं, क्या विद्यालय जाते हैं? हाँ, विद्यालय में जाता हूँ। अभी तो विद्यालय में कुछ नहीं है, वैसे एक तो 8 तक बना है वो तो सही है, वो 5 तक है वो तो कच्चा बना हुआ है जी। तो उसको पक्का बनवाएंगे और नाली कच्ची कड़ी उनको बताइए, उनको पक्की बनवाएंगे नालियों को जी। और गंदगी डली है उनको सफाई करवाएंगे, वहाँ पर सीसी करवा देंगे। आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? इमली है। तो आपके क्षेत्र की जनता का क्या सहयोग है आपके लिए? क्षेत्र की जनता तो पूरी सहयोग दे रही है, बुजुर्ग भी, भाई भी, बहन भी, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं कि भाई रविंद्र कुमार आप खड़े हो और इन सभी चीज़ों को लेकर सुधरवाइए, इनका विकास करवाइए। सो मैंने इसीलिए कहा है कि इन सभी चीज़ों का विकास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सभी लोगों से कहती हैं कि गांव का विकास करना चाहिए और कोई भी बात हो हम को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए, भाई हो बहनों हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ ग्राम धौरका 11 से रविंद्र सिंह राजपूत। ऐसे ही और भी प्रत्याशियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लगातार चुनावी चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस।